हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों, आज की रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ दोस्तों, ये बची हुई रोटी का मीठा बनाने वाली हूँ। तो आइए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये चार रोटी बचे हुए हैं, इसमें घी लगा हुआ है दोस्तों, और रोटी पूरा सॉफ्ट है। ये देखिए, मुट्ठी बांध रहे हैं तो पूरा ये रोटी सॉफ्ट रोटी है। तो रोटी को आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर चक्कू ले लेंगे एक, और रोटी को इस तरीके से हम कट कर लेंगे। रोटी को यहाँ पर मैंने इस तरीके से कट कर लिया है दोस्तों, पिज्जा जैसा, ये देखिए। और इधर मैंने गैस पर कढ़ाई में तेल डाल करके गर्म होने के लिए रख दी थी। तो अब हम यहाँ पर ये जो कटी हुई रोटी है ना, इसको हम यहाँ पर दो तीन पीस डाल करके इसको हम फ्राई कर लेंगे। और आग को यहाँ पर हम तेज रखेंगे दोस्तों, तेज आँच में ही रोटी को हम अलट पलट करके क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर रोटी अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं दोस्तों, तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। तो बची हुई रोटी जो है कटा हुआ पीसेस, इसको इस तरीके से डाल करके हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर रोटी को मैंने फ्राई कर लिया है दोस्तों, इसका आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी है। तो इसको क्या करना है, हमें छोटा छोटा पीसेस इसको तोड़ लेना है। रोटी हल्की सी ठंडी हो गई है तो मैं इसको तोड़ रही हूँ। तो रोटी को यहाँ पर मैंने तोड़ लिया है दोस्तों। अब यहाँ पर लेंगे एक बड़ा चाहे छोटा को मिक्सी का जार ले लीजिए, और इसके अंदर हम डाल करके इसको फाइन पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा दरदरा रहेगा तो चलेगा। रोटी को यहाँ पर मैंने पीस लिया है दोस्तों, ये देखिए। मैं गैस पर कढ़ाई रख दी हूँ, अब इसमें हम डाल देते हैं ये आधा कटोरी चीनी। हमें यहाँ पर कैरेमल बनाना है दोस्तों, तो यहाँ पर चीनी मेल्ट होना शुरू हो गया है दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, कैरेमल ये धीरे धीरे एकदम रेडी हो रहा है। इसको यहाँ पर हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है चलाना इसको। चीनी अच्छे से ये मेल्ट हो गई है दोस्तों। तो आज को हम यहाँ पर कर देंगे धीमा। और यहाँ पर ले लिया है मैंने एक गिलास से हल्का कम दूध ले लिया है, ये हल्का गुनगुना गर्म दूध है। तो इसमें हम डाल देंगे और इसको चलाते हुए अच्छे से हमें मेल्ट करना है, यानी इसमें। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, पूरा अच्छे से मिल गया है ये। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये तीन से चार चुटकी इतना, मतलब नींबू का रस डाल देंगे बस। इसमें हल्का सा ये दूध में फटेगा, हल्का फटेगा, इतना हमें नींबू का रस डालना है इसमें। और चलाते हुए इसको एक मिनट और पका लेंगे। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, दूध में हल्का सा फट गया है, हल्का सा, ये देखिए। तो अब हम इसके बीच में आप डाल देंगे यहाँ पर, आँच को मीडियम में रखेंगे दोस्तों। और ये जो हमने रोटी का पाउडर बनाया था ना, इसको हम डाल देंगे। और इसको कंटिन्यू चलाते हुए हमें यहाँ पर इसको हल्का सा ये सख्त डो होने तक हमें पकाना है इसको। तो ये देखिए दोस्तों, दूध कितना जल्दी रोटी सोख लेता है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे आधा कटोरी से हल्का कम चीनी, वो डाल देंगे इसमें हम। चलाते हुए हमें चीनी को मेल्ट होने तक पका लेने हैं, आँच को मीडियम लो में रखेंगे। तो इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच घी। घी से बहुत अच्छा लगेगा ये मिठाई। आप चाहे तो रोटी को घी में भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर घी देखिए मेल्ट होने लगा है। तो ये देखिए दोस्तों, 2 से 3 मिनट हो गया है घी को डालने के बाद इसको पकाते हुए, और कढ़ाई ये बिल्कुल छोड़ दे रहा है, ये देखिए। और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है धीमा धीमा। और यहाँ पर हमें और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने रोटी को, एक तो रोटी पकी हुई थी और यहाँ पर हमने फ्राई भी किया है रोटी को। तो यहाँ पर ये कम समय में ये मिठाई बन करके रेडी हो जाता है। आप इसको केक भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम गैस को कर देंगे बंद। तो इसमें अब हम डाल देंगे 1 से 2 हरी इलायची, जिसको मैंने हल्का सा इसको बेलन से कुचली थी, और इसको कर देंगे मिक्स। तो यहाँ पर ले लेंगे एक प्लेट, और इसमें हल्का सा घी लगा देंगे नीचे से। ये जो हमारा रोटी का मिश्रण है, अब यहाँ पर हम प्लेट में इसको निकाल लेंगे। तो इसको हम हाथ से ही यहाँ पर करें दोस्तों, ये गर्म है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर कर लूँगी इसको इस तरह से। अच्छे से इसको सेट कर देंगे, ये देखिए दोस्तों, अच्छे से इसको हाथ से सेट कर दिया है मैंने। अब इसको हम आधा घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आधा घंटा हो गया दोस्तों, ये देखिए अच्छे से ये मीठा
सेट हो गया है, और रोटी का बोल लीजिए मीठा। तो यहाँ पर कट में इसको पहले इस तरीके से कर लेते हैं सीधा। यहाँ पर आप कट अपने पसंद के हिसाब से, जैसा आपको शेप पसंद हो उस तरीके से कट कर लीजिएगा इस तरीके से। यहाँ पर मैंने बर्फ़ी के शेप काटा है दोस्तों। अब मैं आपको एक पीस निकाल करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिए पूरा एकदम अच्छे से सेट हो गया है। तो इसको अब हम अलग प्लेट में रखते जाएंगे। तो यहाँ मैं प्लेट में निकाली हूँ दोस्तों। अब इसको केक मिठाई जो भी बन सकते हैं, बचे हुए रोटी का बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बेटी खा रही है, बोल रही है बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी। तो रोटी जब भी बच जाए दोस्तों ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर मैं थोड़ी सी बादाम को छोटे छोटे पीसेस में काटी हूँ, जिनको मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे, खाने में तो लाजवाब लग रही है। तो इस तरह से हम रख देंगे। देखिए दोस्तों आज की ये रेसिपी, बची हुई रोटी का मीठा केक जो भी बोलेंगे आप, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज की रेसिपी मेरी रेडी है। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों।